दिस इज रिचा. आई एम श्लोक. एंड आई एम दीपिका. एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट द फैम. आज रिएक्शन आने वाला है और आई थिंक अभी तक का सबसे ज्यादा डिमांडेड वीडियोस जिसपे हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं लेकिन फिर भी डिमांड एंड मोस्ट लव्ड बाय अस. वी आर लविंग इट. या आई थिंक दिस इज अ फेवरेट थिंग. मतलब पूरे टाइम हमें एड्स देते हैं, हम पूरे टाइम एड्स पे रिएक्ट कर सकते हैं यार बिकॉज इट इज सो ब्यूटीफुल. टॉप 5 रमजान एड्स इन पाकिस्तान. सो अगेन सबसे बेस्ट थिंग पता है इस वीडियो की क्या है, इन्होंने कंबाइन कर लिए पांचों एड्स को तो हमें माउस यूज करके बार बार हमें एड्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे विच इज अ ग्रेट थिंग. So guys, let's start. आपका सामान रह गया था. शुक्रिया बेटा. रोजा खोल के जाना. जैसे नेकियों से भरा है माहे रमजान, वैसे ही खास गुलाब और बेश कीमत संदल के खालिस अत्याद से भरा है जामे शीर. दर्शी जामे शीरी. Hi, how beautiful, how sweet. Yeah, it was very, मतलब बहुत छोटा सा ad था लेकिन ad with a message. ऐसे छोटी छोटी action से भी हम इतना भला कर सकते, इतने अच्छे deeds कर सकते हैं. It was a beautiful ad. मतलब हमने of course we won't compare it to all the big ones. लेकिन it was a short ad with a good message. क्योंकि उन्हें भी पता वापस जब तक जाएगा रोजा का time निकल जाएगा तो रोजा खुलते ही जाना. बट उनकी डेट तो ठीक है लेकिन बट दोनों साइड से कितनी अच्छी डेट थी. उनको वापस देने गए जबकि उनका भी रोजा खोलने का टाइम था और उनको भी भूख लगी ही थी ऑब्वियसली. एंड येट फिर वो गए कि पहले ये कर देता हूँ. वेरी ब्यूटीफुल एड. सो कमिंग टू द सेकंड वन. मौला रमजान आपने अपने दोस्त अली का खास ख्याल रखना है. रहमतों का चांद निकला, बरकतों के दर खुले, तेरे करों के फैसले. दर्जी चाचा मेरा अली का जैसा कुर्ता सी दे. तेरा है शुक्र माला, तेरा है करम. रमजानुल मुबारक नेकियों का महीना और हमारा प्यारा पाकिस्तान भी रमजानुल मुबारक में ही आजाद हुआ.
अगेन बच्चों का बॉन्ड बताया। आई थिंक अगर आपको एड को सक्सेसफुल करना है आपको बच्चों को इन्वॉल्व कर देना चाहिए। इतने तो क्यूट लगते हैं और छोटे अच्छे काम करते हुए चप्पल रख रहे लोगों के साइड में, अत्तर लगा रहे लोगों को। आई थिंक बच्चों को आप कोई भी अच्छे डील में इन्वॉल्व कर दोगे वो ऑटोमेटिक आपका मतलब दिल पिघल जाता है बच्चों में, मैसेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों तक जाता है। जिस तरह उसने जाके बोला कि मेरा और मेरे दोस्त का कुर्ता सेम सी, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एड, मतलब बहुत प्यारा एक बॉन्ड दिखाया। एंड जैसे मैंने हर वीडियो में बोलती हूँ, आप बच्चों को डाल दोगे एड्स में तो ऑब्वियसली वो एड इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। इनका सॉन्ग भी जो पीछे चल रहा था बहुत बहुत प्यारा गाना था। आई थिंक ये खासियत है, हमने पहले के एड्स में भी कहा है, क्योंकि हमारे एड्स में इतने ज्यादा गाने नहीं होते लेकिन इन एड्स में काफी ज्यादा गाने यूज होते हैं, बहुत मीनिंगफुल विद अ स्ट्रॉन्ग लाइंस। हमें काफी सारे वर्ड्स नहीं समझ आते लेकिन जितना भी अब तक हमने एड्स को एक्सप्लोर किया है, इट हैज अ ब्यूटिफुल मैसेज विद अ ब्यूटिफुल, सुंदर बना देता है एड को, बहुत मजेदार। और बच्चे कुछ बच्चे फिर चार चांद लगा देते हैं। यस, आप वो एक रिदम में चले जाते हो ना, आप कोई भी एड देखोगे उसमें स्पेशली बच्चे अच्छे काम कर रहे हो तो आप ऑलरेडी एक वो होता है ना, बच्चों को देख के किसी का भी दिल पिघल जाता है विद ऐसे अच्छे अच्छे काम। सो रूह अफजा का मीनिंग क्या होगा? रूह इज सोल, अफजा क्या होगा? दिस इज फॉर यू पीपल, ठीक है? आप हमें बताओगे रूह अफजा का मतलब क्या होगा? गाइस कमिंग टू द थर्ड वन, अम्मी मुझे आज क्या मिलेगा? चलो जाओ, इसे जल्दी से अंदर दे आओ। पेट भर के खाना। हाँ, रोजा खुशाई जो है अच्छे से तैयारी करना। वो तोहफे मिलेंगे। हर सुबह का नया उजाला हो मेरा भी वैसा, तेरा हो जैसा, जिंदगी का हर जर्रा खालिस सुनहरा दुआओं जैसा। तुम्हें भी रोजा खुशाई मुबारक हो, आज रोजा साथ खोलेंगे। दिल में ठान लिया है अब से, जो अपने लिए चाहे वो बांटेंगे तुझसे। गढ़ना है साथ रहना है, एक दूसरे के संग चलना है, इस रमजान बरकतें बांटे और चाहे सबके लिए जो चाहे अपने लिए। सनरिच चक्की आटा, बढ़ेंगे अगेन बच्चे अगेन गाना। आई थिंक हम हर एड के बाद सेम चीजें बोलने वाले अब है ना, हम इतने यू नो प्रोफेशनल हो गए इन सब एड्स में। हमें ऑलरेडी पता चल रहा था प्रोफेशनल, हमें ऑलरेडी पता चल रहा था कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब स्टार्ट हुआ था ना, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि एक सेकंड के लिए मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ। मेरे को काफी टाइम तक जब वो डाइनिंग पे बैठे थे पूरी फैमिली, आई वाज लाइक वो क्यों नहीं बैठे, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो एक हेल्पर है। वो तो बाद में पता चला जब वो खा रहे थे एंड वो मतलब यू नो शी वाज क्राइंग, तो मैं उसे ओके वो हेल्पर है। वो मुझे तब लगा था जब कहा था कि बाहर टेबल पे देने जाओ, तब मुझे लगा था। मुझे तब भी नहीं लगा, मुझे लगा कि घर के बच्चों को बोला जाएगा।
मैं घर के बच्चों को ऐसे ही अपने घर के बच्चों को इतनी प्यारी बोली प्यारी नहीं भोली भोली अगर रिचा के घर के बच्चे देख रहे हैं वो भूल भूल वो सोचेंगे कौन है ये माता कौन है फिर भी रिचा बुआ फेवरेट बुआ वो जबरदस्ती बुलवाती है सच्ची बता रहा हूँ गाइस इतना चिल्लाती है इतना चिल्लाती आप रिचा तेरे वीडियो से वायरल कर सकती है लेकिन रिचा के घर के बच्चे सब रिचा से डरते हैं और रिचा इतना चिल्लाती है बाबा 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 उसके बच्चे भी सीखने लग गए रिचा के घर पे जितने बच्चे सब चिल्लाते हैं वो लाउड स्पीकर है इसलिए मुझे और लाउड होना पड़ता ताकि वो लोग चुप हो आप कब मतलब यार मेरे फोन में रिकॉर्डिंग नहीं है ना रिचा एक कॉन्वर्सेशन ऐसा नहीं होगा जब रिचा बीच कॉन्वर्सेशन में जोर से चिल्लाएगी वो भी इतना जोर से गाइस आई एम लाइक अरे रिचा आराम से नहीं यार जुगाड़ के रिचा का बीच का चिल्लाने की आवाज अरे आपको पूरा रिकॉर्डिंग कभी कभी थोड़ी सी तेज हो क्या है तुम लोग के समझ नहीं आता क्या एक बार में एक कॉल ऐसा नहीं गया होगा जिसमें रिचा अपने बच्चों पे नहीं चिल्लाई होगी ट्रस्ट मी अरे यार कमिंग टू द थर्ड वन फोर्थ वन एक्चुअली सेकंड और थर्ड एड्स हमारे लिए इन लाइन बैक टू बैक थे थोड़े से सिमिलर थे यस गाइस फोर्थ वन चलो सर्फ एक्सेल ये चाचा चार रोल देना चार हाँ भी देते नहीं नहीं आज देना ये लीजिए वापस वो अभी यहीं से गए फेवाज की का रास्ता है तू रोशनी तू जरिया तू आदिल बेटा चाची रमजान मुबारक ये मैंने देखी हुई है मैं तब भी तुझे बताना अंदर आओ रमजान है अपनों से क्या नाराजगी चाचा भाईजान इतना अरसा हो गया भूल जाते झगड़ा अपनों को करीब लाने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं सर्फ एक्सेल दाग तो अच्छे हैं अपने यहाँ पे दाग अच्छे हैं और उनके वहाँ पे दाग तो अच्छे हैं हाँ ये नोटिस नहीं किया हमने जब रिएक्शन दिया था तब हमने बहुत बार नोटिस किया था इसमें काफी एक्टर्स देखे हुए हैं जो गुस्सा थे नाराज थे अंदर लगे गए घर में उनको देखा है और वो जो साथ में थी चाचा के चाची वो भी देखी हुई है यार ये सर्फ एक्सेल के एड्स इतने सॉफ्ट और प्यारे बहुत ज्यादा आई थिंक मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा ये एड्स वाले बच्चों को इतने प्यारा से कैसे बच्चों का है ना ये बच्चे का ना दो बहुत ही प्यारी चीज लगी एक तो वो जब स्माइल की एक्टिंग कर और भी दूसरा वो जब गोद में था सब सॉर्ट होने के बाद गोद में था वो जब ऐसा एक ये इतने प्यारे बच्चे और एक अरे अटैक कर रही है मुझ पे मुझे लगा इसको बोलेगी हमारे तो प्यारा हूँ यार प्लीज ओके कमिंग टू हिम इतना बदमाश माय गॉड बदनाम करने में ये दोनों देखो ये दोनों टीम अप हो गए मेरे बॉयफ्रेंड प्लीज इतना जिद्दी अभी ना हाँ अभी भी जिद्दी है ठीक है लेकिन बचपन में बहुत जिद्दी इसको जो चाहिए इसको जो चाहिए वो चाहिए मतलब ये बच्चे कहाँ होते हैं यार मुझे ये बताओ रिचा के घर पे तो अभी मैंने पलटन देख ली है बच्चों की लाइक लिटरली मेरे घर पे बच्चों की जो पलटन है कितने हैं टोटल 7 फैमिलीज भी तो इतनी रह रही एक घर में जॉइंट फैमिली 6 बच्चे मेरे घर में वेनू को काउंट करके हाँ अवीश को भी हाँ 6 बच्चे अब इमेजिन यार फुल टाइम पास थोड़ा से टाइम पास बुढ़ेल बन के रहना पड़ता उनके बीच में चुप हो जाओ सब
ये कुछ नहीं जाते ऐसा म्यूट कर दिया है, चुप अपने असली आवाज में बता, एक बार बता देना कैसे पागल है। लोगों ने ईयरफोन्स लगाए होंगे बेचारों ने, नहीं 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 ओके मैं ऑडियो तो डाल नहीं वाली ना, तुझे नहीं मिलेगा। चलो गाइस एट नंबर 5 तू भी कर 5 कहाँ भागे जा रहे हैं असलम साहब? रोजे में कौन आएगा आपकी दुकान पे है? खुदा तेरे दरबार का बंदा मुझे बना देना, नेकी का जब दरिया बने एक कतरा मुझे बना देना। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो असलम साहब? इस वक्त चाय कौन खरीदेगा? बेचनी भी किसे है सादिक साहब? फिर ये दुकान क्यों खोली है? पैसे बनाने के लिए या हवा खिलाने के लिए? नहीं, सदका देने के लिए, आपको और हमें गर्मी से राहत देने के लिए। इस नेकी की कोशिश में साथ तेरे ना चल सकूं तो साया ही मुझे बना देना। सब्र थोड़ा सिखा देना, सब्र थोड़ा सिखा देना, खुदा तेरे दरबार का बंदा मुझे बना देना। दोपहर में तो ठंडी हवा खिला दी थी, अब गर्मा गर्म चाय भी पिला दो। अरे सादिक साहब, आज अपना पसंदीदा होटल छोड़कर आप यहाँ हमारी दुकान पर? दरअसल बात यह है, वो लोग चाय में शक्कर मिलाकर पिलाते हैं और आप नेकी खोलकर। खुदा तेरे दरबार का बंदा मुझे बना देना, नेकी का जब दरिया बने तेरा मुझे बना देना। सदका ही है खुदा की सच्ची इबादत। इस रमजान लिखे ऐसा वाक्य जिसने बदला हो आपका दिल। I'm so happy, हमें सदके का मीनिंग पता और अभी हमें पूरा नेकी का रीजन पता है। इतना प्यारा बनाओ, हमें अब हर चीज का मतलब पता चला है, उसके पीछे की स्टोरी पता है, तो हमें और ज्यादा ग्रेटफुल लग रहा है। जब हम एड्स देख रहे हैं, मतलब हर चीज का एक डीप मीनिंग हमें समझ आ रहा है, जो शायद हम पहले नहीं समझ पाए होंगे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है देख देख कि इतनी छोटी छोटी चीजों से भी सदका हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी तुम इतनी बड़ी चीज करो। यस यस, मतलब जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ किसी को दो, लेकिन आप अगर छोटा सा भी एक अच्छा काम कर सकते हो ना तो वो भी करो। स्माइल जाता है, इतना प्यारा यार। यस, आई थिंक रमजान के आज इतने प्यारे हैं। ओवरऑल बोल बोल के भी ना थक गए, हमारे पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हमने हर तरह के एड देख लिए, अभी हर कुछ बोल दिया हमने। ये लिटरली हर किसी को एड्स देखने चाहिए और ये रमजान को छोड़ के थ्रू आउट दी ईयर ये एड्स आना चाहिए, क्योंकि ये एड्स इतने ऐसे एड्स और भी है तो यार हम किसी और पे रिएक्ट करेंगे। सॉरी फॉर द एड्स फैम, लेकिन अब यही है थोड़ा बहुत, क्योंकि इतने प्यारे हैं और इतने इतने मीनिंगफुल, इतने इम्पैक्टफुल। बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है ये एड्स देख के। एग्जैक्टली, मतलब कितना एक डीपर मीनिंग है इसमें, सब कुछ है। मुझे लगता है ना एड एड्स में एंटरटेनमेंट है, आपको फन मिल जाएगा, आपको एक अच्छा म्यूजिक मिल जाएगा, तो इट इज लाइक एन ओवरऑल पैकेज। आपको 2-3 मिनट के अंदर आपको एक पूरा एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे विद अमेजिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट द थिंग इज, ये देख के सबसे बेस्ट ये लगता है, यू नो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार हम जब बहुत कमाने लगेंगे तब ये करेंगे तब वो करेंगे। इट इज सो सिंपल, कर सकते हैं इतनी सी चीज, एक छोटा सा स्टेप। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, ये सी
लाइफ को एक डीपर मीनिंग दे देता है ये एड की, मतलब यू नो कोई आपको नहीं बोल रहा आपका सब सब दे दो किसी को, लेकिन अगर आप छोटी सी भी चीज कर सकते आई थिंक ये तो सिर्फ रमजान में, जैसे रचा ने कहा था या श्लोक ने कहा था कि सिर्फ रमजान में ये एड्स नहीं होने चाहिए, ये एड्स थ्रू आउट द ईयर होंगे। मतलब कितना अच्छा है, इंसान को एक मंथ नहीं होना चाहिए कि आपको इस मंथ में अच्छे काम करना, आपको ओवरऑल पूरे साल अगर आप ऐसे एड्स देखोगे तो आपका मन वो खुश होता है, पता है कि नहीं करना चाहिए हमें ऐसे एड्स और आते रहे यार, मजा आ रहा है और एड्स पर रिएक्ट करने वाले का इससे क्योंकि ये एड्स इनकी नेकी इनका हमें अब सदके का मीनिंग पता, तो अब हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं व्हिच इज गोइंग टू फ्लॉन्ट इट नाउ। तो ये लोग सदका इतना प्यारे तरीके से, इतने छोटे तरीके से भी करते हैं जो अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, तुम बहुत पावरफुल या बहुत सक्सेसफुल हो, इतना सिंपल है वो एक चाय का दुकान होने के बाद भी इतना कर सकते हैं। हम लगातार आप देखना और आपको भी मजा आ ही रहा है ना तभी तो और आज से बहुत मजा आ रहा है कि इतना सा वीडियो विद इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना मजा आ रहा है पूरे एड्स देखने में, हर सॉन्ग के वो लिरिक्स इतने एक डीपर मीनिंग है उसका। ये कैसे होता है कि हर एड में एक गाना, हर एड के लिए एक गाना, इट्स सो टफ यार। एड्स तो कितने होते हैं, इन लोग के जो टैगलाइंस रहते हैं कि नेकी वाले रिलेटेड जो भी रहते हैं, इतने सारे हर एक एड का हर ईयर में अलग, एंड सब मीनिंगफुल गाने, कुछ भी ऐसा नहीं कि बस गाना है, बहुत डीप गाने, बहुत एक स्ट्रॉन्ग लिरिक्स है उनके। स्पेशली हमने ये इसमें तो हमने इतना नोटिस नहीं किया सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग बहुत मिनिमम थे, लेकिन लास्ट वाले में सॉन्ग अच्छा था, लेकिन जब सर्फ एक्सेल के एड्स थे उसके लिरिक्स, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स आई हैव एवर कम अक्रॉस। इतना ज्यादा ब्यूटिफुल कि इतना अच्छा मीनिंग, मतलब वो एक सॉन्ग बन सकता है पूरा, और वो बनना चाहिए, वो लिटरली बनना चाहिए। इतना आई डोंट नो हम कितनी बार सेम वर्ड्स बोलेंगे, लेकिन द थिंग इज दे आर सो मीनिंगफुल, सो इम्पैक्टफुल। यस, वो एक होता है ना, आपको जो चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसी के बारे में बोलना चाहते हो, एंड जब वर्ड्स नहीं आ रहे तो भी हम बोलते हैं, बस रिपीटेड चीज बोलते हैं। लाइक 2 मिनट में भी इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज, और इसमें बच्चा नहीं था। हाँ अरे मुझे पता है, बीच में बच्चा आता ना हवा खाने के लिए, मुझे लगा आ गया बच्चा, अब ये रहेगा, बट वो हवा खा के किसी दिन हमारा ब्रांड सक्सेसफुल होगा तो हम बच्चों को रखेंगे ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि वो जितना अच्छा लोगों के दिल को छू सकते हैं उतना कोई नहीं छू सकता सच में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, लवली वाचिंग दीज एड्स एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम, थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर, टाटा।